बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी हैदराबाद की जानिब से जिला कौंसिल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहरीन से जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल वहीद कुरैशी, असगर अली खान, हनीफ शेख व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क महंगाई के अजाब में मुब्तला है। हुकूमत ने महंगाई करके गरीबों पर जिंदगी तंग कर दी है। अवाम का जीना मुश्किल हो गया है, अवाम फाका कशी पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि IMF की गुलामी का नतीजा है कि आज मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, बदामनी उरूज पर है। हर दौर में मुस्तवक तबके को बुनियादी सहूलत से महरूम रखा जाता है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से नौजवान ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। वो डिग्री के लिए, नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसी ने गरीब अवाम को दो वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नए आने वाले बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए।